अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज की वीडियो है रियल मी 5S पर, जिसको शुरू करते हैं लेकिन इस इंट्रो के बाद। तो रियलमी 5S दिखने में एग्जैक्टली रियलमी 5 जैसा ही दिखता है, इवन बॉक्स भी मिलते जुलते हैं। और मेजर डिफरेंस सिर्फ मेन कैमरा का है, जो कि रियलमी 5 में 12 मेगापिक्सल्स का है और रियलमी 5S में 48 मेगापिक्सल्स का है। सो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट पे मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस और बैक पॉलिश प्लास्टिक की है, जो कि डायमंड टाइप की फिनिश देती है। और स्क्रीन यहाँ मिलती है 6.5 इंचेस की HD IPS LCD, जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 269 PPI की। एंड्रॉयड वर्जन यहाँ मिलता है एंड्रॉयड 9 पाए और यूजर इंटरफेस है ColorOS 6 और होपफुली जल्द ही एंड्रॉयड 10 और ColorOS 7 की अपडेट्स भी एक्सपेक्टेड हैं। ब्रेन पावर की बात करें तो प्रोसेसर यहाँ मिलता है स्नैपड्रैगन 665 और GPU है एड्रीनो 610। रैम मेमोरी में यहाँ दो वेरियंट्स हैं, 4/64 GB और 4/128 GB वाला। और सिम कार्ड स्लॉट यहाँ सेपरेट है, यानी दो सिम कार्ड अलहदा और मेमोरी कार्ड अलहदा। दीगर फीचर्स में यहाँ हेडफोन जैक मिलता है और सिक्योरिटी सेंसर है बैक पर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो बैटरी है मैसिव 5000 mAh की, जिसको चार्ज करने के लिए माइक्रो USB पोर्ट मौजूद है और चार्जिंग कैपेसिटी है स्टैंडर्ड 10 वॉट तक की। कलर ऑप्शन यहाँ 3 हैं, क्रिस्टल पर्पल, क्रिस्टल ब्लू और क्रिस्टल रेड। प्राइस इस फ़ोन की पाकिस्तान में है 30,000 rupees। बात करें अगर कैमरास की तो फ्रंट पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच में छुपा 13 megapixels का कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर है f2.0 और इससे वीडियो बनाई जा सकती है 1080p तक की विद 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। पोर्ट्रेट मोड भी मौजूद है, जिसमें ब्यूटी फिल्टर्स ऑटो अप्लाइड हैं, जिन्हें आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। बैक पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिनमें मेन सेंसर है 48 megapixels का विद एन अपर्चर ऑफ f1.8, दूसरा कैमरा है 8 megapixels का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस विद एन अपर्चर ऑफ f2.2, तीसरा कैमरा है 2 megapixels का मैक्रो कैमरा विद एन अपर्चर ऑफ f2.4, चौथा कैमरा भी 2 megapixels का ही है, जो कि एक डेप्थ सेंसर है और इसका अपर्चर भी f2.4 ही है। बैक कैमरा से वीडियो बनाई जा सकती है 4K तक की विद 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। ओवरऑल कैमरा रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री हैं। स्पेसिफिकेशन का ओवरव्यू तो हुआ ख़त्म, अब शुरू करते हैं तनकीद और तारीफ वाला सेगमेंट। तो इकलौती तारीफ इसकी 5000 mAh की लंबी बैटरी, जो कि रियलमी 5 में भी सेम थी, और तनकीद में 720p की स्क्रीन, जबकि इस प्राइस रेंज के दूसरे फ़ोन्स 1080p स्क्रीन ऑफ़र कर रहे हैं। दूसरी तनकीद फास्ट चार्जिंग का ना होना, हालांकि 5000 mAh की बड़ी बैटरी के लिए फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए थी, और वैसे भी इसको रियलमी 5 का अपडेटेड मॉडल समझा जा रहा है, तो समझ से बाहर है कि रियलमी 5S में फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी क्यों मौजूद नहीं है। तीसरी तनकीद रियलमी 5S पर यह कि ये फ़ोन अपने प्राइस टैग में परफेक्ट वैल्यू ऑफ़र नहीं करता, जबकि इसके कंपटीशन में दो फ़ोन ऐसे हैं जो इससे बेहतर डील हैं, हवावे Y9 प्राइम 2019 और रेडमी नोट 8। और इनमें से मैं रेकमेंड करता हूँ रेडमी नोट 8, जो कि हर सिनेरियो में रियलमी 5S से बेहतर पैकेज है, चाहे स्क्रीन हो या कैमरास की क्वालिटी। तो रियलमी 5S को कंपनी ने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए ही लॉन्च किया है, क्योंकि ना तो ये प्राइस टैग के हिसाब से परफेक्ट वैल्यू ऑफर करता है और ना ही अपने कंपटीशन से कम्पीट कर सकता है। उल्टा थोड़े से पैसे और डालकर वीवो S1 लिया जा सकता है, जो रियलमी 5S से कहीं बेहतर भी है और फ्यूचरिस्टिक भी। और ये था मेरा खुलासा रियलमी 5S का। आप अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।